बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 17 अगस्त 2021 मंगल का दिन था, वीक का आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी, सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम गेनर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पेआउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चले शुरू करते हैं समरी आज की। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। मार्केट आज एक बार फिर जो है 47,000 के ऊपर क्लोज हुई है, 345 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 47,258 के लेवल पे बंद हुए। 0.74% का जो है वो इंक्रीज था। थ्रू आउट सेशन जो है वो पॉजिटिव था। ओपनिंग भी जो है वो 46,947 के लेवल पे हुई थी और अपना हाई जो लगाया वो 47,274 का लगाया। 361 पॉइंट्स का गेन था इंट्राडे में 0.77% और अपने हाई साइड पे इंडेक्स क्लोज हुआ 345 पॉइंट्स के गेन के साथ 47,258 के लेवल पे। अब वॉल्यूम जो है वो कल की नस्बत कम लगे, 81 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। कल जो है वो 88 मिलियंस का वॉल्यूम था। ओवरऑल जो 5 डे की एवरेज है वो 91 मिलियंस शेयर्स की है। आज 72 स्क्रिप्ट अप साइड पे थे, 100 इंडेक्स के 17 डाउन थे और 11 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो पावर जनरेशन आज टॉप पे था 95 पॉइंट्स के साथ। सीमेंट सेक्टर ने 42 पॉइंट्स ऐड किए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की तरफ से 32, कमर्शियल बैंक्स ने 31, टेक्सटाइल कंपोजिट 21 एंड टेक्नोलॉजी ने भी 21 पॉइंट्स ऐड किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 18, फार्मास्यूटिकल 16, केमिकल 15 और रिफाइनरी सेक्टर 12 पॉइंट के साथ थे। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा हब पावर कंपनी लिमिटेड ने ऐड किए हैं 81 पॉइंट्स। उसके बाद पाकिस्तान स्टेट ऑयल है 22 पॉइंट्स के साथ। मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 16 पॉइंट्स ऐड किए। कैपको की तरफ से 15, टीआरजी पाकिस्तान ने 13, लक्की सीमेंट 12, एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से भी 11 पॉइंट्स ऐड हुए। कॉलगेट पामोलिव ने 10, निषाद मिल्स ने 10, मेपल लीव सीमेंट्स एसगार 9 की तरफ से 9, जबकि मिल्लत ट्रैक्टर और डीजी खान सीमेंट ने 8 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पर बैंक अल हबीब ने 6 पॉइंट्स निकाले। कोइनूर टेक्सटाइल मिल्स ने 5, जबकि IGI हेल्थ केयर की तरफ से भी 4 पॉइंट्स लूज हुए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज जूट सेक्टर टॉप पे था, 3.23% प्लस में गए। लेदर सेक्टर 2% प्लस था। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आज का तीसरा बड़ा सेक्टर था 1.80% गेन के साथ। वुलन सेक्टर 1.78%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.57%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1.54%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 1.52% प्लस थी, रिफाइनरी सेक्टर 1.43%, केमिकल 1.43% और टेक्सटाइल स्पिनिंग 1.41% अपसाइड पे गए। फ्लिप साइड की बात करें तो टेक्सटाइल वीविंग 2% डाउन था। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 0.95%, विनास्पति एंड अलाइट इंडस्ट्रीज 0.34%, जबकि फूड सेक्टर भी 0.26% आज डाउन साइड पर बंद हुआ। उसकी तरफ चलते हैं, चेक करते हैं आज टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स स्क्रिप्ट से कौन से थे। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज जो है वो TPL प्रॉपर्टीज रहे, 30 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 7.45% प्लस था। GGL में 17 मिलियंस का काम हुआ है, 2.86% पॉजिटिव साइड पे गए। TRG पाकिस्तान 14 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.73% प्लस था। WTL में भी 12 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 1.19% प्लस था। टेलीकार्ड 1.50% प्लस में गए, 11 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है। यूनिटी फूड में भी 10 मिलियंस का काम हुआ है, 1.75% प्लस था। एसगार्ड 9 में 8 मिलियंस का वॉल्यूम है, 3.9% प्लस। फ्लाइंग सीमेंट्स 6.8 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.26% डाउन था। अलशहीर कॉरपोरेशन आज 5% प्लस था, 5.63 मिलियंस का इसमें काम हुआ है। NRSL भी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी आज, 5.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5.42% पॉजिटिव साइड पे गए। इसकी फेस वैल्यू जो है वो डबल कर दी गई थी, तो इस वजह से ये सस्पेंड था। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10, इसमें टॉप के जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स हैं, 10.56% प्लस था। KSB मुतारबा 8.30%, मियाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री 7.50%, सर्विस फैब्रिक्स 7.48%, थट्ठा सीमेंट भी 7.47% प्लस था।
EPL Properties 7.45, Koinur Power 7.29, SME Leasing 6.58, Koinur Industries 6.32 और NRSL 5.42% अपसाइड पे है। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे इमेज पाकिस्तान के राइट शेयर्स थे, 8.23% डाउन थे। मुदारबा अलमाली 7.50%, ZTL 6.69, प्रॉस्पेरिटी वीविंग मिल्स 5.09% डाउन, फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा 4.83, ट्राई स्टार पावर 4.15, ईकॉप 3.47, चकवाल स्पिनिंग मिल्स 3.1, एमको इंडस्ट्रीज 2.9, जबकि ऑरिक्स लीजिंग पाकिस्तान भी 2% आज डाउन साइड पर गया। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में, सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो अगली जो मीटिंग है वो एग्रो फूड की है, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 18:03। उसके बाद लॉटे केमिकल पाकिस्तान का हाफ ईयर का रिजल्ट 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे है। नेक्स्ट कैपिटल का एनुअल रिजल्ट 11:30 बजे है 20 को। एशिया इंश्योरेंस कंपनी का भी 20 को हाफ ईयर का रिजल्ट है 2:30 बजे। PICICI इंश्योरेंस का हाफ ईयर का रिजल्ट 20 अगस्त को 2:30 बजे है। क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस कंपनी का हाफ ईयर का रिजल्ट भी 20 अगस्त को 4:30 बजे है। उसके बाद 21 अगस्त को दो मीटिंग है, JS इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की हाफ ईयर का रिजल्ट है सुबह 10 बजे और JS ग्लोबल कैपिटल का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 1 बजे है 21 अगस्त को। एंग्रो कॉरपोरेशन 23 अगस्त को अपना हाफ ईयर का रिजल्ट अनाउंस कर रहा है, तो 2:30 बजे इनकी मीटिंग है। सुनहरी बैंक का हाफ ईयर का रिजल्ट 24 अगस्त को 12 बजे है। क्लेस्को का हाफ ईयर का रिजल्ट 24 अगस्त को 12:30 बजे। वेव सिंगर पाकिस्तान का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 12:30 बजे है 24 अगस्त को। इंटरनेशनल स्टील का एनुअल रिजल्ट 2:30 बजे है 24 अगस्त को। सियान लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट 3:30 बजे है 24 अगस्त और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 24 अगस्त को 4:00 बजे है। पेआउट्स की बात करें तो अगला जो पेआउट अवेलेबल है वो UBL का है, 4 रुपए का इसका डिविडेंड है, 26 को ये एक्स हो जाएगा, नॉन शरी है। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स का 7 रुपए का डिविडेंड है, 8 सितंबर इसकी एक्सटेट बन रही है, शरीय कंप्लाइंट है। एंग्रो पावर जिन कादिरपुर लिमिटेड का 1.5 रुपए का डिविडेंड है, 8 सितंबर एक्सटेट है, ये भी ये नॉन शरी है। हबीब बैंक और MCB दो नॉन शरिया बैंक के जो हैं वो उनके डिविडेंड अवेलेबल हैं 1.75 रुपए और MCB का 5 रुपए, दोनों की एक्सटेट 9 सितंबर है। निजान बैंक का 1.5 रुपए का डिविडेंड है और 15% के बोनस शेयर्स हैं, 9 सितंबर जो है वो एक्सटेट बन रही है इसकी, शरिया कंप्लाइंट है। एंग्रो फर्टिलाइजर का 4 रुपए का डिविडेंड है, 10 सितंबर की एक्सटेट है और शरिया कंप्लाइंट है ये भी। कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान 24 रुपए का डिविडेंड है और 15% के बोनस शेयर्स हैं, 13 सितंबर को एक्स हो जाएगा, नॉन शरी है। और सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड के 1.5 रुपए के डिविडेंड है और 15% के इसने भी बोनस शेयर इशू किए, 15 सितंबर जो है वो इसकी एक्स डेट बन रही है। शरिया की बात करें तो ये शरिया कंप्लाइंट है, एक्स डेट से 1 दिन पहले जो है वो शेयर्स आपके पास होल्ड या बाय करने होना चाहिए डिविडेंड वगैरह के लिए। रिजल्ट्स जो है वो आज 2 अनाउंस हुए। अलाइट बैंक ने अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया, सेकेंड क्वार्टर में 4.13 रुपए की EPS आई है, पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर में 3.84 रुपए की EPS थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी टोटल EPS 7.65 रुपए है, पिछले साल 7.35 रुपए की EPS पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड दिया है 2 रुपए पर शेयर। कैपको का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 6.48 रुपए का इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 6.64 रुपए की EPS आई थी। ओवरऑल फुल ईयर इनका 11.62 रुपए की EPS पे है, पिछले साल 26.83 रुपए की इनकी EPS आई थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 3.50 रुपए पर शेयर।